स्टोरी की शुरुआत होती है नेहा और विवेक से, जो कि पति पत्नी हैं और दोनों एक दूसरे से मजे ले रहे होते हैं, एक दूसरे को चरम सुख दे रहे होते हैं। अगली सुबह नेहा, जो पार्लर में काम करती है, चली जाती है और तभी विवेक भी वहां से चला जाता है क्योंकि वो वेब सीरीज में अपने लिए काम ढूंढ रहा होता है। काम ढूंढने के लिए वो वहां से चला जाता है। जैसे ही नेहा पार्लर में जाती है तभी उसका मुंह काफी उतरा हुआ होता है और उसकी दोस्त पूछती है कि क्या हुआ, रात को चरम सुख का स्वाद अच्छे से मिला नहीं क्या। इतने में विवेक का फोन आता है, वो कहता है कि मुझे वेब सीरीज में काम मिल गया है और बहुत खुश होता है और अपनी बीवी को लेकर होटल में जाता है और वहां पर उसके साथ मजे करता है। होटल से आने के बाद भी वो घर पे भी एक दूसरे के साथ हनीमून बनाते हैं। अगली सुबह जैसे ही विवेक अपनी वेब सीरीज के फर्स्ट शूट के लिए जाता है और नेहा पार्लर जाती है तभी उसके पास उसके मकान मालिक का कॉल आता है और कहता है कि अगर तुमने पैसे टाइम पर जमा नहीं किए तो मैं तुम्हें वहां से निकाल दूंगा। ये बात सुनकर वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और घर जाती है। घर जाते ही विवेक भी काफी गुस्से में होता है क्योंकि जिस वेब सीरीज में उसको काम मिलने वाला था वहां से उसे निकाल दिया जाता है। तभी अगले दिन जब वो अपने पार्लर जाती है काम करने के लिए तो उसकी दोस्त उसे बताती है कि मेरे पास एक काम है जहां तुम्हें चरम सुख भी मिलेगा और भर भर के पैसा भी मिलेगा। दोस्तों, आगे की स्टोरी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।